प्रदेश में बीपीएल सूची की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिससे बीपीएल फर्जीवाड़ा खत्म होगा। प्रदेश की हर पंचायत में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा और इस बार करीब 1 लाख परिवार बीपीएल की सूची से बाहर हो सकते हैं। इस बार बीपीएल सूची में शामिल और बीपीएल में नए जुड़ने वाले परिवारों को एक शपथ पत्र भरकर देना होगा, जिसमें कुछ बिंदु शामिल रहेंगे। प्रदेश में फर्जी बीपीएल परिवारों को सूची से बाहर करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने फैसला लिया है कि हर पंचायत में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो वर्तमान में पंचायत के बीपीएल सूची की जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। वर्तमान में प्रदेश की बीपीएल सूची में लगभग 2.5 लाख परिवार हैं। इनमें कई परिवार बीपीएल सूची में होने के मापदंड पर खरे नहीं उतरते हैं। पूर्व में किए जा चुके सर्वे के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कमेटी की जांच में 1 लाख से अधिक परिवार बाहर हो सकते हैं। जांच कमेटी में स्थानीय पंचायत सचिव, पटवारी के अलावा राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, बीडीओ का नामित एक कर्मचारी या पंचायती राज प्रतिनिधि में से एक सदस्य होगा। प्रदेश में 7 जुलाई तक होने वाली बीपीएल सूची की समीक्षा के लिए विशेष ग्राम सभा से पहले एक कमेटी का गठन किया जाएगा। सिटी चैनल से बात करते हुए उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी DRDA मुनीश कुमार शर्मा ने बताया कि बीपीएल सूची की समीक्षा बैठक के बारे में सभी पंचायतों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी के अनुसार 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो बीपीएल सूची की जांच करेगी। बीपीएल जो जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो होते हैं, वो हमारे जो पंचायतों में इनका चयन किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। इस वक्त पूरे हिमाचल की यदि हम बात करें तो लगभग 2,62,000 बीपीएल परिवार हिमाचल में हैं। कांगड़ा जिला की बात करें तो लगभग 61,220 हमारे पास बीपीएल के परिवार हैं। बीपीएल में जो कांड छांड जो है वो साल में एक ही बार ग्राम सभा में होती है। इस बार आचार संहिता की वजह से अप्रैल वाली ग्राम सभा जो है इस वित्त वर्ष की नहीं हो पाई थी, इसलिए जो ग्राम सभा है वो 7 जुलाई को होने जा रही है। इस ग्राम सभा में जो सरकार ने कुछ जो बीपीएल से संबंधित दिशा निर्देश है उनमें कुछ परिवर्तन किया है। परिवर्तन यह है कि जो व्यक्ति बीपीएल में अभी शामिल हैं, मान लीजिए अभी जो व्यक्ति इस वक्त बीपीएल में हैं या जो व्यक्ति शामिल होना चाहते हैं, तो वो एक एफिडेविट देंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन या अपना स्वयं का घोषणा, अपनी घोषणा करेंगे। उसमें 5-6 पॉइंट हैं, बिंदु हैं, जिनके ऊपर उनको अपना अपनी हस्ताक्षर करके एक शपथ पत्र देना है। उसमें जो मेन बिंदु हैं वो ये हैं कि उस परिवार से कोई भी पेंशन ना लेता हो, किसी प्रकार का इनकम टैक्स ना देता हो, कोई भी उनके परिवार में वाहन ना हो, सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो, इस तरह से जो पक्का मकान ना हो, ये सारे बिंदु जो हैं इस शपथ पत्र में ये देंगे। यदि इसके बाद इन सब की जाँच, शपथ पत्र और आवेदन जो होगा उसकी जाँच की जाएगी। इसके लिए हमने कांगड़ा जिले की 748 पंचायतों में सभी पंचायतों में हमने जो है 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो जिसका काम पिछले 10 दिन से शुरू है, चला हुआ है आजकल। उसमें जो भी आवेदन आएंगे या जो अभी बीपीएल में है, उन सब लोगों के आवेदनों की जांच की जाएगी इस कमेटी द्वारा, और जांच भी तथ्यों के साथ की जाएगी। जैसे किसी के घर में चले गए तो देखेंगे उन्होंने लिखा कि हमारे पास पक्का मकान नहीं है, और यदि वहाँ पर पक्का मकान पाया जाता है तो उसकी हमने इनको कहा है कि आप उसकी फोटो खींच के रख लें, ताकि कल को कोई आपत्ति उसके ऊपर उठाता है तो हम दिखा सकें अपने प्रूफ को कि हमारे पास ये प्रूफ है, उसको दिखाने का कि आपके पास तो पक्का मकान है या वाहन है, तो उसका भी रिकॉर्ड लें, आय का भी प्रमाण पत्र लें। इस तरह से पूरी निष्पक्षता से उस परिवार की जाँच होनी चाहिए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।